महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर गांव में बुधवार की रात मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला था। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने शुक्रवार को दहेज हत्या के आरोप में पति को जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालती की मृत्यु फंदे से लटकने के कारण होने की पुष्टि हो जाने पर एक नया मोड़ आ गया है। मालती चौहान की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर निवासी विष्णुराज से हुई थी। शादी के बाद से ही मालती चौहान और विष्णुराज एक साथ यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो बनाकर डालते थे। देखते देखते ही मालती चौहान और विष्णुराज की लोकप्रियता बढ़ गई थी। विष्णुराज और उनकी पत्नी मालती के बीच पिछले 2-3 माह से अनबन चल रही थी। मामला कई बार थाने पर भी जा चुका था। 10 दिन पूर्व विष्णुराज ने अपनी पत्नी मालती चौहान की शादी नाथनगर महुली के रहने वाले अर्जुन वर्मा से करा दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में दोनों में सुलह समझौता होने के बाद वह फिर से विष्णुराज के घर काली जगदीशपुर आ गई थी। इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु से सनसनी फैल गई। मामले में मालती के पिता दीपचंद की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। मालती चौहान की असमय मृत्यु से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने शुक्रवार को बिरहर घाट पर पहुंचकर उसे नम आंखों से विदाई दी। यूट्यूबर के 2 वर्षीय मासूम बेटे ने मां को मुखाग्नि दी। ये देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।